सेट पे मौजूद हैं शेजी और उनके चीते। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इलेक्ट्रिफाइंग, रॉकिंग, मजेदार, चटपटा, खूबसूरत एपिसोड ऑफ द चॉकलेट टाइम। हमारे साथ नहीं चलेगा रोना, हमारे साथ है सिर्फ हंसना, गाना बजाना, नाचना और नचाना। जनाब आप देख रहे हैं आज काजू मिसिंग है, ये हमारी टीम में से कोई ना कोई रोज मिसिंग होता है। आज रोमियो वापस आ गया है, जो बच्चा कल तक अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका नाम हमने सोच समझ के रखा है रोमियो। अब आप पूछेंगे इसका नाम रोमियो क्यों रखा है, ये करता है उल्टे सीधे सवाल और वो भी करता है गूगल से। पहला सवाल इसने लिखा गूगल पे, ये जो पैसे मेरे दिमाग में है ये मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे। गूगल ने खामोशी का मुजाहरा किया। उसके बाद इसने पूछा, अगर मेरा नाम रोमियो है तो मेरी जूलियट मुझे कब मिलेगी। गूगल ने फिर बर्दाश्त किया। फिर इसने पूछा कि मेरी हमसाई का नंबर क्या है वो तो बता दो। गूगल ने पहले तो गूगल से निकल के इसको चपेड़े मारी, उसके बाद उसने एआई भेजी है इसके पीछे। ये छुपा हुआ था, अंडरग्राउंड था कल। हमारी छोटी मोटी हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी, हमारे साथ होगी अलाइका और मोमिना और हमारे खूबसूरत से गेस्ट। गेस्ट का अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अब बताने का वक्त है ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर हम देने जा रहे हैं लेकिन दिल नहीं तोड़ेंगे, आपको बताएंगे हमारी अपनी नबीलास की, नबीला मकसूद आयफा की ऑफिशियल हेयर एंड मेकअप पार्टनर हैं और वो पिछले 3 साल से कर रही हैं। आपके लिए तालियां। अगली खबर भी है आयफा 2023 से, क्योंकि सादिया खान ने लगाई एक पोस्ट आयफा 2023 की, जिस पर एक बड़े ही चुलबुले से आशिक ने, फॉलोअर ने लिख दिया, बाजी आप यहाँ कहाँ। सादिया ने बिल्कुल माइंड नहीं किया बल्कि बहुत फनी वे में जवाब दिया कि भाई आपको क्यों जेलसी हो रही है। सादिया हिम्मत है आपकी ट्रोल्स को ऐसे जवाब देने पर। इमरान अब्बास का सनम जंग को कहना है कि सनम अमेरिका से 10 किलो कम करके आना। एक तो पहले ये बताए वहां ऐसा क्या है जहां 10 किलो कम हो जाएंगे, और दूसरी बात इमरान आपको सनम के वेट से क्या प्रॉब्लम है। मैं अल्लाह के लिए अबाया पहनूंगी, यासिर के लिए नहीं, ये कहना है निदा यासिर का। ये तो बहुत अच्छी बात है निदा, मैं आपको इस चीज में फुली सपोर्ट करती हूँ। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए इंजेक्शन लगा चुके थे लेकिन मुझे मेरे मॉर्निंग शो की कॉल आ गई टीवी चैनल से, जिसकी वजह से मैं उसी हालत में उठी और जाकर मॉर्निंग शो किया। ये कहना है नादिया खान का। वैसे नादिया जितने पैसे उन्होंने आपको तब दिए हैं ना, बनता आपका यही था कि इंजेक्शन समेत जाके आप होस्ट करें। मलिका तबस्सुम एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है जिसे होस्ट करने जा रही हैं हमारी मलिका तबस्सुम बुशरा अंसारी, और उनका कहना यह है कि स्टैंड अप कॉमेडी में लोग करते हैं गंदी गंदी बातें लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्या बात है बुशरा जी, तेरी निगाहों की कसम, दिल ने भी क्या, रू ने भी तुझे चाहा है। ये कहना है शहरोज सब्जवारी का अपनी बीवी सदफ कमल को। शहरोज वैसे ऑनेस्टली ये बातें हमने आपके मुंह से पहले भी सुनी। हसीब पाशा का कहना है कि मेरा तमगा इम्तियाज मेविश हयात को दे दिया गया। जिन लोगों को हसीब पाशा याद नहीं, मैं उनको याद करा दूं, ऐनक वाला जिन आया करता था कम अज कम हमारे बचपन में, उसमें हामून जादूगर होते थे, वो है हसीब पाशा। उनका कहना यह है कि उनका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया गया है मेविश हयात को। कोई बात नहीं, आपको फिर मिल जाएगा। पैसे डबल करके देने वाले से हो गया है प्यार, ये कहना है नादिया हुसैन का। नादिया पैसे से इतना प्यार या प्यार किसी पैसे वाले से। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी 10 महीने में 110 अरब की चाय पी जाते हैं। जी हाँ, चाय की चुस्कियां जो आप लोग इस वक्त ले रहे हैं 110 अरब की 10 महीने में। ओए चौधरी मेरी भी चाय ले आओ, जरा मिठा रोक के ते पत्ती ठोक के। आजकल गर्मी बहुत है और कसम से किचन में जो खवातीन जाती हैं उनको सलूट है, अगर हांडी में नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये जो बर्दाश्त है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इससे रिश्ते बच भी जाते हैं और रिश्ते हसीन भी हो जाते हैं। और इस सेट को मजीद हसीन बनाने के लिए हम बुलाने जा रहे हैं अल्लाह का को। इतना अक्खों को चुभने वाला रंग तुमने पहना है, बट ये तुम ही कैरी कर सकती हो। बस देख लें, ये कैरी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं लड़की। आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास है, उनके लिए कुछ अच्छी चाय का इंतजाम किया है तुमने? कड़क। अरे गुड, अगर वो कॉफी पीते हुए तो
तो वो कड़क बना देंगे। अरे वाह, तो फिर तुम संभालो अपना मोर्चा और हम जा रहे हैं अपनी हिप हॉप क्वीन को बुलाने, जो गाना भी गाती है, टिकटॉक भी बनाती है, उसके साथ साथ मिर्चे भी लगाती है। मैं बुला रही हूँ मोमना चौधरी को। हाय शेजी, आज तो शेजी देखें पूरा औरतों को पीछे छोड़ गया। एक बाली यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हाथों में कड़े कुड़े, देख रही हैं आप? मैं तो देख रही हूँ, अभी तुम देखोगी थोड़ी देर बाद जब तुम वहाँ बैठोगी और एपिसोड में हमारे मेहमान आएंगे। मुझे तो लग रहा है पता नहीं कोई अच्छी सी आपने कोई खातून तो नहीं बुला ली आज, शेजी इतना तैयार हो आज। उसके दिल में बज रहे हैं बीट्स नोट्स, क्योंकि कोई खास आने वाला है। रंगीन बंडाना भी बांध के आया है। बिल्कुल। अच्छा तुम बताओ, आज बातें ना इधर उधर मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पर आओ, बताओ आज किसके बारे में खबरें लाई हो? यार आयशा, जब शावीर जाफरी की शादी हुई थी, शावीर इज अ यूट्यूबर, यूज्ड टू मेक व्लॉग्स ऑन यूट्यूब, पहले वो कनाडा रहते थे, फिर ही शिफ्टेड टू पाकिस्तान, जिसके ऊपर काफी लोगों ने जो है वो उसको सवाल भी किए थे, उसको क्रिटिसाइज भी किया था, अप्रिशिएट भी किया था, अप्रिशिएट भी ज्यादा किया था। आई वाज वन ऑफ देम जो जिसने उसको अप्रिशिएट किया था इस चीज के लिए, क्योंकि जब हमारे मुल्क के थोड़े से हालात खराब होते हैं तो हमारे एक्टर्स और हमारा हर बंदा मुल्क छोड़ के बाहर जाना शुरू कर देता है। Yes. लेकिन वो अपना कैनेडियन नेशनैलिटी सब कुछ छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए थे। Right. और उसका उन्होंने रीजन दिया था कि वो उनको एक्टिंग का बहुत शौक है। mm-hmm. और उनको इस तरह की चीज फील हुई थी, जो कि मुझे पहले इंसान लगते हैं कि जिनको ये चीज फील हुई थी कि मुझे कनाडा में इतनी रिकग्निशन, उनको वहां पे भी बहुत मिल रही थी। Yes. लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान आना है और मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो वो पाकिस्तान आ गए थे। फिर जब शावीर ने शादी कर ली आयशा से, उनकी वाइफ का नाम भी आयशा है, उनकी फैन थी पहले, और उसके बाद उनकी मतलब डीएम से उनकी दोस्ती शुरू हुई और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब उनकी बेगम बन गई हैं। अब जो आयशा है ना, वो उनके अभी हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट देखे ना, जो कि बहुत अच्छी आदत है, वो हर चीज ना बड़ी नफासत से उनको करने की आदत है, और उन्होंने अपने पूरे घर का थीम वाइट रखा हुआ है और इस तरह का ना उनका, तो लोग उसके ऊपर उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं पॉइंट में जा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तुम इतना घूमती हो ना, सीधा पॉइंट ही नहीं समझ में आता। तो जो आयशा है उनको सारे क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे हमारी आयशा को करते हैं कि आप जो है वो इस तरह की लाइफस्टाइल लोगों को दिखाती है जो कि नॉर्मल लोग नहीं ले जी सकते जिस तरह की जिंदगी, और आप ना हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती हैं। भाई नहीं, ये कैसे होता है? मतलब कि जो गरीब हैं वो इस तरह की लाइफ नहीं जी सकते, आपकी वीडियोस देख के हम भी सोचते हैं कि हमारी ऐसी जिंदगी हो, हम डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, एक बहुत फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल हर एक का ख्वाब होता है, आई एग्री, लेकिन आप कम पैसों में या कम बजट के अंदर भी अगर आपने क्रिएटिविटी है तो आप अपनी मर्जी का जो है ना माहौल बना सकते हैं, ट्रस्ट मी। सिर्फ आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। महंगी चीजें ही रखने से कोई स्टाइल नहीं आता, बाज़ोकात आपको अपनी क्रिएटिविटी को भी जगाना पड़ता है। वो कहते हैं ना सलीका है उसके बीच में, आयशा में बड़ा नजर आता है, उसने हर चीज उस तरह से की होती है, बड़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट डिशेस, तो उसको काफी हेट देते हैं। वो जो हेट थी उसका सिलसिला जारी करते हुए लोगों ने अभी उनको रिसेंट इस चीज के ऊपर थोड़ी हेट देना शुरू कर दी कि शावीर ने एक व्लॉग डाला 2 दिन पहले, और उसके बीच में शावीर ने व्लॉग किया कि वो एकदम से उन्होंने कोई अपनी जर्नी नहीं दिखाई जैसे वो हमेशा दिखाते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, लेकिन उन्होंने व्लॉग किया और वो व्लॉग ओपन ही उन्होंने कनाडा में अपने पेरेंट्स के हाउस में किया जहाँ पे वो पहले करते थे व्लॉगिंग। okay, okay. तो उन्होंने कहा कि आई एम बैक हियर विद आयशा, लेकिन इस दफा हम की स्पेशल बात यह कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, उन्होंने व्लॉग किया, वो शॉपिंग जाते हैं, इस तरह उसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज किया शावीर को। वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? जब डकी भाई अपनी बीवी के पूरे खानदान के साथ किचन में खाना पकाते हुए नजर आ रहे होते उस वक्त तो आप लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जिस वक्त अगर शावीर ने कर दिया तो क्या हो गया? आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, लोग क्या कहते हैं क्या सोचते हैं इग्नोर दैट। अगली खबर पे जाओ। अगली खबर ये है कि तेरे बिन एपिसोड जो हमने देखी थी जिसके ऊपर लोगों को बड़ा एतराज था, जो कि सही एतराज था, आप सभी मेरी बात हो रही थी, आपको भी एतराज था, उन्होंने जो भी सीन्स वगैरह दिखाए थे या जो भी था, कुछ लोग उसको कह रहे थे कि अच्छा सही है, ये भी सोसाइटी का पार्ट है, वो दिखा रहे हैं ये चीज भी, ये चीजें सोसाइटी में होती हैं तो दिखा रहे हैं। आपको पता है पैमरा का नोटिस आया था उनको? पैमरा का नोटिस आया, उस वजह से वो एपिसोड रीराइट एंड रीशूट हो रहा है। ओके, यानी एपिसोड नंबर 47 जो है वो रीराइट भी हो रहा है, रीशूट भी हो रहा है, यानी कट कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। बेचारी यमुना पता नहीं किधर बैठी होगी, वो दोबारा इस एपिसोड को शूट करने आएगी, वहां जाके इतने स्टारडम में पता नहीं कहां होंगे वो, इसको शूट करने आ रहे होंगे। अब देखो ना, जब रायता फैलता है तो फिर समेटना तो पड़ता है। बस फिलहाल तो वो राइटर का
उनका इंक ही फैला। एक्चुअली बात ये है कि जब याद है आपको मेरे पास तुम हो का लास्ट एपिसोड था, उसमें हुमायूं मर गए थे, तो तब भी बहुत लोग रो रहे थे कि यार हुमायूं को नहीं मरना चाहिए था। टिकट बिकी थी सिनेमा की उसके लास्ट एपिसोड के लिए और हाउस फुल थे, कहीं जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। और जब हम सोच रहे थे ना कि टिकट सेल हो रहे हैं, मुझे सुनने में आया था कि टिकट्स हैं इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कोई पागल ही होगा जो जाके देखेगा सिनेमा। और आपको पता है कितना अरसा वो एपिसोड ऑन एयर नहीं हुआ था, यानी यूट्यूब पे नहीं आया था कि लोगों को, आप सिर्फ सिनेमा में जाएं पूरा हफ्ता और फिर देखें और उसके बाद उसके क्लिप्स वायरल। सिनेमा से लोग रोते हुए बाहर आ रहे थे, हाँ लोग रोते हुए निकल रहे थे कि वो मर गए हुमायूं, उसका मुझे किरदार नहीं याद, दानिश मर गया। दानिश इंतकाल, तो ये लोगों की जो ये इतना प्यार होता है ना, उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसका एक बड़ा मान भी होता है। जो ऑडियंसेस हैं उनकी वजह से हम लोग हैं, अगर हम कोई ऐसी बात कर दें जिससे किसी की दिल आजारी हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसे टॉपिक्स टैबूड जो हैं उनको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन इतने अनकम्फर्टेबल वे में नहीं, सटल वे में, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो करते हैं। मेरी बात बहुत लंबी हो गई और मुझे ब्रेक का हो रहा है इशारा, आपने आना है इसी चैनल पर दोबारा, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। तुम्हें पता है कि मैं आज इतने गैंगस्टर मोड में क्यों हूँ? नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आज कुछ ढोल ढमक्का टाइप होने वाला है। ये तुम इसलिए कह रही हो कि शेजी ने ढोल पहना है या तुम्हें कुछ और भी पता है? और भी पता, लेकिन आप बोलने मुझे देंगी नहीं। नहीं नहीं, तुम बोल लो अगर तुम्हारा दिल करता है तो। नहीं देखिए नाजरीन, ये मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं इनको बोलने नहीं देती, ये खुद बोलना नहीं चाहती है। जनाब अब वक्त है मेरे मेहमान को बुलाने का, और अगर आपका मूड नहीं है डिस्को का तो जल्दी से तुम खिसको, क्योंकि आज होने वाला है ढेर सारा भांगड़ा और डिस्को। अपने जहन को मत रिस्को, क्योंकि मैं बुला रही हूं अपने मेहमान को जिनका करियर 2006 से शुरू हुआ था। अगर बात की जाए तो कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां उन्होंने परफॉर्म ना किया हो। पाकिस्तान, दुबई, थाईलैंड, टर्की, कनाडा, ऑलमोस्ट 500+ उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। पाकिस्तान की हर बड़ी शादी में उनका होना लाजमी है। मैं वेलकम करने जा रही हूं NS चौहान को। बैंड मेंबर है शजी, अपनी जगह पे वापस चले जाओ तो। सर यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जनाब आपका था बड़े दिनों से हमें इंतजार और बिलाखिर वो घड़ी आ गई। बताइए ये कि आपका एक पांव इधर होता है एक पांव उधर, आप भी एसएन की तरह कहते हैं आई एम हियर एंड देयर? आई एम एवरीवेयर। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है? नहीं चल रहे हैं आजकल। कदे लाहौर, कदे कराची, कदे इस्लामाबाद। यस, प्यार कर दे लोग कहना, की करिए फिर हर जगह पहुंचना। आपके करियर का इतना लंबा माशाल्लाह स्पैन है, क्या राज है इसका और आपकी मतलब इतने जैजी होने का? आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसकी कोई आपकी अंदरूनी ख्वाहिश भी तो होगी, कुछ अंदरूनी ग्रूमिंग भी होगी, लाजमी बात है। बिल्कुल, एक तो पंजाबी उतो सोना। ओए हो, एक ते पंजाबी उत्तों में सोना ते बाबा, ये गल हुई ना। अच्छा आपके हुस्न के लश्कारे हैं जो आप इतने लंबे स्पैन के ऊपर हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान में कोई ऐसी शादी नहीं है जहां आपकी परफॉर्मेंस ना होती हो। प्यार ही ना कर देने लोग, सो डेफिनेटली उत्तों शादी इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। ओके, ते
ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ? ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਵਜਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠੁਮਕੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ? ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀ ਜੌਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈ ਲੈਫਟ ਏਜਸ ਅਗੋ। ਰੀਲੀ? ਯੈਸ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਡੋਨਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਬਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮੀਰ, ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਅਮੀਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੇਟ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਅਮੀਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਅਮੀਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਚੇਂਜਡ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਸਮਥਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪ, ਅਗਰ ਡਰਾਈਵ ਆਪਕੀ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਤੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ। ਓਕੇ, ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੈਟਸ ਆਲ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਦ ਲਵ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਫਰਮ ਦ ਆਡੀਅੰਸ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਐਂਟਰਟੇਨ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਬੀ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਜੋਬ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਆਈ ਪਿਕ ਸਟਫ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ਫਲ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਮੇਕ ਮਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ 4-5 ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੇ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹਿੱਟ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਪ ਹੌਪ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ, ਐਬਸੋਲੂਟ, ਆਹਿਸਤਾ 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 ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਹਟ ਜਾਏਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡ, ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਇਸ ਆਮ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਨਿਆ ਟੈਲੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਉਛਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਪੇ ਤੋ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਚੇਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਚੇਂਜਸ, ਮਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਗਿਵ ਆਵਰ ਆਈਡੀਆਸ ਬਟ ਵੀ ਪਿਕ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਆਡੀਅੰਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹਮਾਰੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਬ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪਨੇ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਉਰਦੂ ਮੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਲੇਂਗੇ ਆਪ? ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਈ ਔਰ ਲੈਣੀ ਹੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲੇਂਗੇ ਆਪ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਰੋਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਅਭੀ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੈ ਉਨਮੇ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ? ਸਭਾ ਕਮਰ। ਸਭਾ ਕਮਰ, ਵਾਓ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਹਯਾਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 3? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਤਾਏ ਕੌਣ ਸੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਇਦਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓ, ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ? ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸੇ, ਦਿਲ ਬੜੀ ਹਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਲਫੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਲਫੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਤਾਏ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਲੇਕਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,
आप उसके लिए हाँ कहेंगे ना कहेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दो में मुल्क मैं तो हमेशा एक को ही समझता हूँ, ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ वो भी पंजाबी हैं, एज अ आर्टिस्ट मेरा काम आर्ट डिलीवर करना, बिल्कुल ठीक है कि नहीं, और वो आर्ट असी उत्थे कुछ होर लैंग्वेज तो नहीं बोलते, आप पूरे 30 किलोमीटर बाद बॉर्डर है, इथे लहंदा पंजाब, सो असी पंजाबी हाँ, सो इट डजंट मैटर चाहे मैं उत्थे भी बड़ा काम किया तो मैं इत्थे भी बड़ा काम कर रहा, सो मैनू जिथों भी ऑफर आती मैं काम कर, तो तुसी सिर्फ आर्ट ही डिलीवर करना है, बाकी डिलीवरियां जड़ियां लोकां ते छड़ दियो। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। नाच रहे हो ये शर्म की बात है, कोई बात नहीं, आपके साथ आपकी धुनों पर नाचने के लिए हम एक कमाल की एक्ट्रेस, एक कमाल की खूबसूरत होस्ट को दावत देने जा रहे हैं। मेरी अगली मेहमान जो है दिल थाम के बैठे, उच्चा लम्मा कद, अच्छा सोनी भी तो हद, अच्छा हाँ तो और क्या, आगे दसो ना मैं सुन रहा हूं, आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं मेरी मेहमान में, क्या उच्चा लम्मा कद तो सोनी भी तो हद, मेरे तो सोना कौन है, चलो जी तोड़े तो एक तो एक तो ये जो गलत फहमी है कि साडे तो थोड़ा कौन है, होने तो तुसी मेरी तारीफ कर रहे से कि यू आर हैंडसम, बट देयर इज कंपटीशन नाउ, अब जो मेरी अगली, यू नो आई एम अ विनर ऑलवेज, ओके लेट्स सी, फिर मैं बुलाती हूँ अपनी जो अगली मेहमान है ताकि अब पता चले कि कौन ज्यादा सोना है, अच्छा? या कौन कम सोना है, फिर अद्धे थोड़ी आ जाएगी, पहले मैं गाना गावांगा ते आएगी ना, तो तुसी गा लो, करते कप ते गावां, जे तुसी कप ते गा सकदे हो ते गा लो।
अब क्योंकि इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन देने नहीं दिया था, हमारे साथ हैं द गॉर्जियस होस्ट एक्ट्रेस मॉडल रेचल गेल। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हुण दसो केड़ी सोनी बोती है? सारे देख ही रहे ने। आए जी, आ जाए। बैठे जी, बैठे। चलो जी। जी तो रेचल जी, ये बताएं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके? आने वाले प्रोजेक्ट्स में टीवी के हैं, क्योंकि अब टीवी ड्रामास की तरफ मैंने टर्न ले लिया है आफ्टर डूइंग होस्टिंग एंड मॉडलिंग। बेसिकली मैं मॉडलिंग से ही शुरू किया था। बिल्कुल। तो अब मैं टीवी की तरफ फाइनली। तो अब मुझे ये बताएं, इतने ऊंचे कद के साथ कौन सा हीरो तुम्हारे छोटे छोटे आ रहे हैं आजकल मार्केट में? मतलब कहने का ये कि हाइट वाइज उतने ऊंचे नहीं है जितनी आप हैं। एग्जैक्टली, बट आपको पता है एक चीट भी आप कर सकते हैं चीजों से। स्टूल पे खड़े होके कहते हैं अभी ऐसा मौका आया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेरा जो प्रोजेक्ट्स में कर रही हूं दे आर वेरी डिफरेंट। ओके। और वो कोई रोमांटिक इस तरह से नहीं है कि आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के और ऐसे करके बात। इट इज लाइक कोई आपके साथ रोमांस करता होगा तो क्या कहता होगा? रेचल दुनिया में यानी अर्थ पे सब कुछ ठीक है, तुम बताओ यूनिवर्स में सब ठीक चल रहा है? मैं फिर ऐसे उठा लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ सब ठीक है। ओ हाउ रोमांटिक, मैं यू उठा लेती हूँ हवा में। That's very sweet. Yeah. अच्छा, लेकिन अब हम चल रहे हैं आप लोगों के साथ अगली गेम खेलने। गेम रैपिड फायर है, लेकिन रैपिड फायर से पहले सर जी आपसे सवाल है। आप मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, डैश खरीदना है। प्रोबेबली पठानी जुती। पठानी जुती ते पशावरी शलवार? नहीं वो नहीं, पठानी जुती उत्तो मेरा वही गेट। अच्छा ओके, उत्तो वही है। ओके नेक्स्ट। तुम अपने बालों में डैश लगाती हो, मुझे अच्छा लगता है। सरों का तेल। फूल भी लगा सकती थी, क्लिप भी लगा सकती थी। नहीं तुझे क्या, मैंने अच्छा नहीं लगता। अच्छा? फूल तो मैंने सोना लगता है ना। नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा सरों का, सरों का तेल जिन्नू चंगा लगता है, वो भी बेगम के बालों की, देखो ना वो होगी। हाँ। के अब चलते हैं इस तरफ के, अगर तुमने मुझे ऐसे बोला मैं तुम्हारा डैश तोड़ दूंगा। तेरा गोड्डा तोड़ दूंगा। यार मैं तेरा फोन भी तोड़ सकता हूँ, गोड्डा तोड़ना जरूरी है? तोड़ सकते हैं मुंह, मतलब मुंह तोड़ना गोड्डा तोड़ दो। अच्छा, क्योंकि गोड्डा मैं तेरा परफ्यूम तोड़ दूंगा। हाँ। तेरा गोड्डा फोन तोड़ दूंगा। गोड्डा सस्ता रिपेयर हो जाए ना, फोन नवा लगे। फोन जेड़ा ना होते 4-5 लाख दी गल है जेड़ा अगली नु पसंद आ रहा है। अच्छा जी, तुम्हें कितनी दफा कहा है तुम घर से बिना डैश मत निकला करो? परफ्यूम लाके ना निकले कर। कभी आओ ना हमारे घर डैश लगा कर। पग बन गया? पग लगाई नहीं ना जा सकती। नहीं लग भी जाती है। आपने किसका पगड़ी बांधी जाती सिर्फ? अच्छा, दो तरह नहीं होती, एक बनी जाती है एक लाई जाती है। एक पहले ही रेडी होती है। हाँ। वो लाके। ओके आओ ना कभी हमारे घर, जो तुसी कुड़ी नू कह रहे हो तो पगड़ी किवें पा के, ओनू शायद पसंद होवे पंजाबी मुंडा सोना। तुसी ओ बंदे दी फीलिंग भी तो देखो ना। फीलिंग्स जे सारी मतलब आ रही है जोर जोर से। बस ठीक है तुसी। अच्छा जी, यही सारे सवाल मैं आपसे करूंगी। आप मुझे शॉपिंग पर ले जाए ना, मैंने फलां चीज खरीदनी है, फलां जो है वो डैश है, बताइए। परफ्यूम्स खरीदने? I love it. Okay, तुम अपने बालों में डैश मत लगाया कर, लगाती हो मुझे अच्छा लगता है। फूल? तुम अपने बालों में फूल लगाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, अगर तुमने मुझे ऐसे बोला तो मैं तुम्हारा डैश तोड़ दूंगी। अच्छा डैश है? हाँ, तोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी डेफिनेटली। ओह माय गॉड, वायलेंस। ओके, मेरे डैश में दर्द है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी कमर में दर्द है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। दिल में भी हो सकता था? नहीं, क्यों, दिल में दर्द करवाते हैं, लेते नहीं। ओए दिल में दर्द डालते हैं खुद नहीं रहते। यस, नहीं करते। ओके, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि तुम घर से बिना डैश लगाए मत जाया करो? कितनी बार बोला है कि घर से डैश किए बगैर मत निकला करो? किए बगैर? हाँ, नहाए बगैर। ओके, कभी आओ ना हमारे घर डैश लगाकर। ऑब्वियसली परफ्यूम ही लगा, खुशबू लगाकर। अच्छा जी, 5 टिकटॉकर्स के नाम बता दें जल्दी से। यू हैव 5 सेकंड्स। ओह माय गॉड, सी आर यूब्स ओवर हियर। सॉरी, नहीं सीरियसली। ओके फाइन, हम आगे चलते हैं। घर वालों के 5 ताने। घर नहीं आंदा। अच्छा, तू घर नहीं आंदा, ठीक है। हाँ। तू साडे नाल गल नहीं करदा। साडे नाल गल नहीं करदा, ठीक है कि नहीं। हाँ। तू सानू बाहर नहीं लेके जांदा। बाहर नहीं लेके जांदा। तू साडे नाल कदी बैठ के कोई मशवरा नहीं कीता। मशवरा नहीं कीता, ठीक है कि नहीं। ते तू बाहर ही रह। तू बाहर ही रह जा। अच्छा, ताने कम पड़ते हैं। हाँ। लेकिन रिलेटिव्स जहां तक, ऐसे जो मतलब शिकवे जो रहते हैं, शिकवे यही रहते हैं कि नंबर 1 यही के टाइम कम होता है और ओकेजंस पे
ज्यादा नहीं होते, गिला है, फलाने की शादी, शादी पे नहीं थी, और कि बहुत लेट बैक हो चीजों में, घर की चीजों में लेजी हो, और इतने ताने मुझे कभी पड़े नहीं है, बट ये नहीं हो सकता, नहीं 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 ऐसा, मैं बहुत अच्छी 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 लड़की हूँ, अच्छी बच्ची हूँ, मुझे नहीं, अच्छी बच्ची हूँ, तो ताने तीन वो भी बहुत कम, बहुत कम। ओके, ऑफिस या स्कूल के पांच बहाने जो आपने छुट्टी की हो और आपने बनाए हो, स्कूल में ही होगा, ऑफिस तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से जाते होंगे, स्कूल, हाँ स्कूल, आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट, बट कभी छुट्टी की हो, उसके पांच बहाने, फेमस बहाने जो आपके बच्चे लगाते हो, आप लगाते हो, आपके दोस्त या कोई आपको जो सुने हो, आपने सीधा पंजाबियों का देखो ही, मेरे टेट जो दर्द हो रहा है, ये मेरे टेट जो दर्द हो रहा है, अच्छा जी, और केड़ा पंजाबी, नंबर 2 टेट जो दर्द हो रहा है, ते अजकल जो कुट कुट के भेजते तीजा होएगा मेरी मेरा बस्ता गुआच गया, माशाल्लाह बस्ता ही गुआच गया, फिर मां भी कहती है खसम देने पढ़न की जाना, हूं बस्ता तो गुआया, मेरी टीचर मर गई, सीधा टीचर ऊपर लोग सता रहे हैं जी, आप बताएं पांच बहाने जो आपने बनाए हो, पहला पेट, पेट की दर्द, दूसरा बुखार हो गया ऐसे ही बस, ऐसे जान नहीं है बॉडी में, तीसरा प्याज रखा धूप में, अच्छा उस वक्त ये नहीं अकल थी, लेकिन बस वो माए होती ना इमोशनल, जरा सी आंखें ऐसी डाउन देखी तो बस जी नहीं जाना, हमारी अम्मी तो मुंह में सीधा थर्मामीटर, बुखार तो नहीं है तो मैं चलो स्कूल, वो मेरे अब्बू ऐसे करते थे कि नहीं है अभी ड्रामे है, और तीसरा ये कि टीचर आज नहीं आएंगी, कोई उनकी इमरजेंसी हो गई है, और यही बहाने रिपीट करते रहते थे बार बार, पेट का दर्द सबसे कॉमन है। ये बताएं मीडिया के अलावा पांच ऐसे प्रोफेशंस बताएं जो आपको लगता है, मतलब इन योर प्रेफरेंस के, पहला कौन सा, दूसरा कि जिसको आप कर सकते थे अगर आप सिंगिंग ना करते तो। मैं फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन सकता था। ओह वाओ। आई एम अ वेरी गुड रेसर। ओके। दूसरा पायलट। पायलट ओके। डेफिनेटली। ठीक है। तीसरा तुसी ले लो, आई एम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। ओह। मैं खड़े-खड़े, मैं तो अरबियां नु रेता बेचदा। ठीक है ना? That was a good one. ये talent है। हाँ। अच्छा। जहाज चलाना मुझे, हाँ ब्यूटीशियन, और उसके अलावा शेफ, आई कैन बिकॉज़ आई कैन कुक एंड कुक रियली नाइस, पहली मॉडल का सुना है हु कैन कुक, नो आई लव कुकिंग, अच्छा जल्दी से, और तीसरा चौथा पहला उसने, आप एक वन एक स्टेप आगे, अच्छा और मैं एक्चुअली इसी के रिलेटेड ही काम कर सकती हूँ, आउट ऑफ लाइक डॉक्टर शॉक्टर तो मेरा कोई ऐसा था नहीं, फिर फोटोग्राफर, आई कैन बी अ फोटोग्राफर और डायरेक्टर, दीस काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू दैट, हो गए, एक छोड़ दो ना, चलो छोड़ देते हैं, हम पांच बार छोड़े हैं प्रोफेशन, लेकिन आपने हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि हम आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, वी आर कमिंग राइट बैक।
आपके पास पहला सवाल। ये जो सस्पेंस है, मैं सस्तियां ले रहा हूँ तुझे आज। बिल्कुल नहीं। वेलकम बैक एवरीवन टू द चॉकलेट टाइम्स। और अब वो सेगमेंट है जहां हम जलाते हैं दिल इन मिर्चों के साथ। ये मिर्चें अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आपको खानी पड़ेंगी। तीखे तीखे सवाल हैं और उनके मीठे मीठे जवाब देने पर आपको मिलेगी चॉकलेट। तो मेरी तरफ से जवाब है आपको। वैसे मैंने ताजियां लग रही हैं। बिल्कुल असी तरोका लाया था। अच्छा सस्ती में नहीं लग रहा था जो मर्जी कह लो। अच्छा जी, विदाउट पहला मैंने दसो मेरे अगे मर्चा रखती है, मैं तोता हूं। मेरा नाम मिठू है। तुसी लग रहे हो हंसते तोता। अच्छा जी, तो तोता जी ये बताएं। हां जी। कोई ऐसा जी मैं ना जी कोई ऐसा सिंगर जिसे आप सिंगर नहीं समझते? चाहत फतेह अली खान। क्या बात है जनाब। सलाम वालेकुम। इस खुशी में हम दे रहे हैं आपको एक चॉकलेट। अरे वाह। कोई ऐसी मॉडल जिसे आप मॉडल नहीं समझती? मॉडल नहीं समझती, अब भी या पुराना जो भी। यार नाम लेना है? तो और क्या यार, ये मिर्च खिला दो मुझे प्लीज तुम। ये आपके साथ? हाँ हाँ, मैं मिर्च खाऊं। तीखी तीखी मिर्च खानी चबानी है। लो जी, रेचल इज गोइंग टू ईट द चिली। ये लग जानी है, पूरी खानी है जी। हाय रब्बा, नहीं खा ली बस। अगला सवाल, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गाना चाहते हैं? जैजी पाजी जा, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। जिन्हें मेरा दिल लुटिया। हो हो, ये वाला गाना चाहते हैं? ओके जनाब, आप तो जीतते जा रहे हैं। वो खा नहीं रहे मुझे क्योंकि मिर्ची खिला, क्योंकि तो सवाल का जवाब नहीं देता ना। हमने गिननी है ना बाद में, आपने जो गाल में रखी हुई है मिर्ची। हाँ प्लीज। हाँ। एक 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 कैन आई थ्रो, एक मॉडल का नाम ले लेंदी बाद सॉरी कह देंदी। हाँ, जा मैं ए ठीक है, सॉरी नहीं कहना। कौन सा ऐसा एक्टिंग प्रोजेक्ट है जो मेन लीड की जगह आप करना चाहती हैं? अब मैं, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, आयजा की जगह आप करना चाहती हैं, तो आप क्या करती? कोई एक उसका क्या करती, मतलब याद है तो वो जल्दी से? नहीं नहीं, याद तो नहीं है, बट मुझे वो रोल बहुत अच्छा लगा। ओके, इसलिए। अब मेरी चॉकलेट कहाँ है? दे दे। हाँ थैंक यू। देर होती क्यों हो? हाँ चॉकलेट, चल मेरी चॉकलेट, ये लो पानी है, यू कैन हैव वाटर। अच्छा जी, मेरे पास भी दो हो जाएंगे। किस सिंगर का एटीट्यूड फेक है? थोड़ी लेंस। हमारे, हम भी जानते हैं उसको, हम भी जानते हैं, हम भी जाने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। अच्छा, मिर्च मिर्च एनएस जॉन, मतलब अपना नाम? नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है। नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग। अपना नाम किसी प्रोजेक्ट में नहीं लिया जा सकता। ए तुसी गल मेरे पहले टर्म्स एंड कंडीशन दसो ना। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत लंबियां ने ना, तुसी पूरा प्रोग्राम लंग जाएगा। अच्छा, आप अपना नाम नहीं ले सकते इतने मौके। मैं दसिया था टोरी लेंस, ठीक है ना, और यू नो बियॉन्से, चलो बियॉन्से दा नाम ले लेना। बियॉन्से आपके मुताबिक, एनएस चौहान के मुताबिक बियॉन्से का एटीट्यूड फेक है? बिल्कुल फेक है। ओके ओके, आखिरी दफा आपने झूठ कब बोला था? अभी कि मैंने पूरी मिर्च खाई है। नहीं नहीं, ये तो आपने बोला ही नहीं। मैंने बोला, आपको लगा मैंने पूरी खाई है? आखिरी दफा झूठ कब किससे बोला और क्यों? मैंने झूठ बोला था कि मैं इन टाउन नहीं हूँ फॉर माय प्रोजेक्ट, और वही झूठ बोला मैंने लास्ट। मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगी, क्या मतलब है आप राज? एक टीवी शो था और इस्लामाबाद का, और नहीं यार नाम नहीं, क्या है मतलब चॉकलेट? क्यों? नहीं नहीं, ये गलत है यार, ये गलत है। अच्छा चलो फिर बस, ठीक है। पूरी पूरी पूरी, you're so mean with me right now. Thank you, thank you. इतना lenient हो रहे हो आप? नहीं मैं, I'm not mean at all. मैं खा ला था मुझे। It was a morning show. It was a morning show. फिर क्यों मिर्च खाई? आपने जो नाम नाम बोल रहे थे। I'm so sorry. Okay, ये बताएं, आखिरी दफा आपने झूठ कब बोला था, किससे बोला था और क्यों बोला था? आज सवेरे, आज सवेरे झूठ बोलिया सी अपनी बॉटी दे नाल। कहंदी उठ गया, मैं उठया होया सी, मैं कहंदी मैं सुत्ता हां। इज वेरी क्लेवर, चालाक है वो बहुत ज्यादा। ओके, किस एक्टर, किस मॉडल का एटीट्यूड फेक है? किस मॉडल का एटीट्यूड फेक है? लेडी गागा का। मॉडल नहीं है वो? मॉडल भी है वो? नहीं सिंगर। हां आपकी,
अपनी फ्रेटर्निटी की बात, आपने क्यों क्यों उनको तो फ्रेटर्निटी दी नहीं कि कौन सा हम इंटरनेशनल आते हैं। किस मॉडल का, आज के जितनी भी नई मॉडल्स हैं उन सब का फेक है। नेम वन, आई डोंट नो द नेम आल्सो। या मुझे बहुत फ्रेम हो रहे हैं यार, ये गलत है। आई ऑब्जेक्ट। निदा यासिर, वो वाली नहीं, एक मॉडल है निदा यासिर जो मॉडल है। हाँ हाँ, वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं। रेचल के मुताबिक उनका एटीट्यूड फेक है। आपके दोस्तों में कौन है जो सबसे कंजूस है, जो कहता है खर्चा ना करना पड़े? साडा ड्रमर सिकंदर, रुपया नहीं खर्चता। सुन ला। ओके, अच्छा जी, आपकी मॉडल फ्रेटर्निटी में कौन सी दोस्त है जो शदीद कंजूस है, जो कहती है मैंने अपनी जेब से एक रुपया नहीं खर्च करना? नेहा, नेहा अहमद। ये सारी मॉडल्स जिनके नाम ले रही हैं, किसी एक का नाम मुझे क्यों नहीं पता? मैंने भी नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो नेहा अहमद है, हाँ, इनकी तस्वीर क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ मॉडलिंग कर रही थी। Oh, okay. अभी न्यू नहीं है वो, इसलिए। ओके, कभी किसी लड़की ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है? किसी ने भी नहीं। कभी भी? झूठ। कभी भी नहीं। हो ही नहीं सकता। पहली गल तो बताएंगे, पहली गल तो मैं प्रपोज किया ही नहीं। अच्छा, किया ही नहीं? इतना एटीट्यूड, जिन्ने आना खुद करे, मैं क्यों करूं? अच्छा, किसी ने आपको प्रपोज किया है? जाटी का था जी, ऐसी प्रपोज करना है, हैं? अच्छा, चले, आपको किसी ने प्रपोज किया? बढ़िया ने किया। सबसे अच्छा प्रपोजल किसका था? मेरी वाइफ का। सपना, वो जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, लीजिए जनाब, इनकी तो प्लेट भर गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट। ले भैया का साठ, शायद साढ़े पैसे तो हो गए पूरे, चलिए। आखिरी दफा आपने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले थे और कहाँ खर्च किए? मैंने निकाला था 50,000। ओके, और वो मैंने कुछ अपने कॉस्मेटिक्स लेने थे। अच्छा। उसके लिए निकाला था। अरे वाह, पिछली दफा आपने अपने जेब से कितने पैसे, यानी एटीएम? जेब से, अच्छा, नहीं, एटीएम तो की अकाउंट तो? अकाउंट से। ओह, $2,50,000। ओके, और कहाँ खर्च किया था? नवी मैकलेरन लाई। ओह माय गॉड, नवी मैकलेरन लाई सी। ऑलराइट, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए तो रेचल, आप किस मॉडल को बैन करेंगी? मैं सारी नई मॉडल्स को बैन। हेलो, नहीं, एक नाम, नाम लेना है। नाम यार, नाम पे जो है ना, ये लड़ाई हो, मैं मिर्च खा लूंगी। नाम नहीं लेना। ये वाली बड़ी है, ये खा लो। नहीं लगेगी। नहीं, हाँ? ये नहीं लगेगी, छोटी लगती है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, कभी किसी कोई हरकत करते हुए पकड़े गए? इन सेंस ऑफ व्हाट? कोई भी पुट्ठी हरकत करते हुए पकड़े गए हो? हाँ, बड़े बारे। वो हरकत बताएं और बताएं किसने पकड़ा था। बुढ़ी दाना कह देना। नहीं, बुढ़ी दानी का मांगा। अच्छा, एक्चुअली मैं हुने थोड़े दिन पहले लंदन बैठा सी। अच्छा। ते मेरे फ्रेंड्स ने, उन्होंने मुझे बुलाया। We were all having a gathering कि ऐसी ऐसी मिलना सी। Right. ते मैं कदी जिंदगी दे विच ना ताश नहीं खेडी। अच्छा, हाँ। ओके, तो उस दिन मैनू एदें दिल कीता, मैं पेट्रोल पंप ते रुकया, गड्डी च तेल पाया ते ताश दी डब्बी पई सी, मैं चक ली। अच्छा। जो तक ओ नहीं आया मैं कल्ला खेडन डिया सी। ले जी, फैसला ये हुआ है कि हमारे जो NS चौहान हैं वो जीत गए हैं और रेचल बहुत सारी हरी मिर्चों के बाद हार गई हैं। जनाब, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। बल्कि हर यॉनर का गाना गाते हैं और मेलेडी बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप इजाजत दें। शो शो, आई एम रेडी। ऐ दसो कि ये जो गाना है, व्हाई हिप हॉप सॉन्ग से और अपबीट सॉन्ग से, भांगड़ा सॉन्ग से आप एकदम मेलेडी पर आए? सी, नोबडी नोज, आई एम अ वेरी गुड तबला प्लेयर। ओके, मैं 20 साल तबला सीखा। ना करें। सो मेरे डैड सी जड़े वो क्लासिकल सिंगर सी, सो बिफोर वी केम इनटू दिस फील्ड,
I play algoze, harmonium. Achha. You know, tumbi. So I play like almost 10 different instruments. So yani log jo samajhte hai ki bhangra gana bahut aasan hai, uske piche riyazat hoti hai. Ha, riyaz. It's like asi har genre kar lene hai, but jo classical hai gaya, that's always been my favorite. So wow. Main classical gaane bar to bahut ghat gaana. Ha. Kyunki main jadon stage te aana sare ae kar rahe hunde ne. Te mainu oh nahi change lagde jehde samne baith ke ae karan, theek hai na? So I love melody. Aapko logon ko ungliyon pe nachana acha lagta hai. Kehta hi. Apne suron pe nachana acha lagta hai. To ye jo melody hai ye aapne kisko zehen mein rakh ke banayi hai? It's nothing. I'm actually tusi believe nahi karoge jinne mere vadde gaane hai tusi le lo pave ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸਭ ਲਿਰਿਕਸ ਆਪਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡ ਮੈਲੋਡੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ क्या बात है यार मेलोडी भी इतनी खूबसूरत बहुत अच्छी एक
کس کا دل ٹوٹا تھا جس پہ آپ نے اتنی خوبصورت میلڈی لکھی؟ میرا اپنا ہی ٹوٹے ہونا. اور یہ جگ بیتی نہیں ہڈ بیتی ہے. اچھا جی جناب, اب جو گیم ہے میں آپ کو چار ڈائلگز دوں گی, آپ نے ان کو یا مجھ کو جس کو بھی آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں ایک ایک کر کے. چار ڈفرنٹ ایکسپریشنز ہیں, یہ اینک ذرا اتار دیں. لا دو. ہاں لا دو. ریویل کر دو. ریویل کر دو. دکھا دو دنیا نو. دکھا دو دنیا نو. اگ لگ گئی. بڑی تھوڑی کول ڈوڈے ورگی آنکھیاں نے. ہاں جی جی کیا بات ہے. اچھا جی تسی بھی شدرے تو آئے, میں نے پتا. آؤ او شدرے جڑا ڈیفینس دے کول ہے. اچھا وہ تو تسی آپ کندھ تے لکھا ہے ڈیفینس. اچھا جی تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں انتہائی رومانٹک طریقے سے, آپ نے کہنا ہے. مگر کما کنو, آپ کے پاس آپشنز ہیں, ہم ملائکا کو بھی بلا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. یو سلیکٹ وچ ون ہو ڈو یو وانٹ ٹو سے ٹو. چلو سامنے ہے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہہ دیو جی. ہن میں انہوں نے کی کہنا, تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں رومانٹک فل ڈوب کے. ہم چاہتے ہیں ڈوب جائیں آپ. میں تیرے نہ رہنا چاہنا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. یہ رومانٹک, یہ نہیں یہ تڑی ہے. تڑی تھوڑا. میں تیرے نہ رہنا چاہنا. وا نہیں نہیں, میں ایم ا ویری گڈ ایکٹر. اوکے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہاں یہ پورا ڈائیلاگ ہے. میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آواز کتنے گئی ہے؟ آواز تسی چکو گے نا. تسی چکڑی تسی کیا رومانٹک کڈو نا, میں منہ تے سپیکر بھی لا لوں. نہیں میں میں اے اے کدو تو لایا سی. اچھا ٹھیک ہے. او ماں یالا, ایک تے بندہ پوری ایکٹنگ میں ڈرگ ایکٹنگ چ ٹون میں بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. گرام کے ساتھ تسی کبھی شاہ رخ خان دی فلم نہیں دیکھی؟ او جو ہچکی بھی لیندا او بھی مائیک چ آ جندی. اچھا او پتہ نہیں کیڑا مائیک ہے. اچھا آ جائے. تم ریڈ جوڑا مت پہنا کرو, تم لال جوڑا مت پہنا کرو. ایکسپریشن غصے والا بھی ایک جیسا ہے, رومانٹک بھی. یار تھوڑا سا ایکسپریشن دے. ہن میں ایکٹر بن جاؤں تے اور کی. اچھا یس. تم لال جوڑا مت پہنا کرو. ہن ٹھیک سی یہ؟ اوکے اب آپ اس کو پنجابی میں کہیں. لال رنگ موڑ کے نہ پائیں. یہ ایکسپریشن آ گئے نا. ایکسپریشن لال جوڑا ہن نہ پائیں. کیا بات ہے. اچھا اب محبت کا اظہار کریں پنجابی میں, جیسے میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں پنجابی میں کہہ دیں. آپ کہے خاموشی خاموشی ہی ہاں ہے. او مائی گاڈ خاموشی نہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی کنیاں دے دل ٹوٹنے نے اج. تمہیں کوئی حق نہیں یہ کہنے کا. تمہیں کوئی حق نہیں یہ کہنے کا. یہ آپ غصے میں؟ اور میرا غصہ ہی انہا کہ پیارا جب بندہ یار. اچھا کہتے میں ہوں میں کپڑے پھاڑ لاں. اچھا غصے میں کوئی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے؟ کیوں نہیں پھاڑتا. اپنی باڈی دکھانی ہے آپ کسی اور طریقے سے دکھائیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اچھا چلے یہ تو ہو گیا اردو میں, اب آپ اس کو پنجابی میں کریں. تینوں کوئی حق نہیں اے کینچ. اوکے انگریزی میں. You don't have privilege to compress anything like that ever, ever, ever again. Wow. Okay. I'll keep that in mind. Ab aapne funny comedy tarike se kehna hai. Woh to aajo phir. Tumhe ye tumhari ye aadat nahi badlegi. Hasde hasde dekh jao piche te keh do. Eh bhi keh do. Teri ye jaani hi nahi jo marzi kar le. اردو میں تمہاری یہ عادت کبھی نہیں بدلے گی. ہاں نہیں بدلے گی. You'll never change. I will. You'll never change. You'll be the same. یہ فنی کہنا تھا. فنی کیا سی؟ اچھا ٹھیک ہے ہنس کے نہیں نا کہا تو وہ پتہ نہیں چلا. Voice like spray. You'll never change. You'll be the same. You'll always be the same. آپ نے کہنا ہے تمہاری امی میری جان کب چھوڑیں گی؟ غصے میں دکھ سے. تمہاری امی میری جان کب چھوڑیں گی؟ انہیں نہیں چھڑ دی. آپ اس کو پنجابی میں کہیں. ہاں پنجابی میں. تہاڈی ماں میری جان کدو چھڈے گی؟ جدوں تو اودے کو اٹھیں گی. اب انگریزی میں. ہاں انگریزی میں. انگریزی بیٹ. When I will get rid of your mom. چلو بوٹی لگوا لو پہلے, مطلب ہاتھ دھو گئی ہے. میں ہیلپ کیا ہو گیا ساتھ ہی نہ
मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। तू बैठी भी खड़ी लगती है। मैं अपने पैरों से खिलौना चाहती हूँ। कोई नहीं, जब तेरा छाला ठीक हो जाएगा खड़ी हो जी। इंग्लिश में आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ओके गुड। आपने आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ओके श्योर। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तेरी मर्जी है। हुन पंजाबी च आखो। मैनू नहीं चाहिए बच्चे। दफा हो। अब अंग्रेजी में कह दे। आई डोंट हैव किड्स। ओह, वी विल टॉक अबाउट इट। वी विल टॉक अबाउट इट। अब रोमांटिक उसमें कहेंगे आप। आज कितना हसीन चांद निकला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज कितना हसीन चांद निकला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कितने पैसे चाहिए थे? मतलब उनको यकीन, उनको यकीन नहीं है कि वो चांद है। थैंक गॉड। इसका मतलब जो उनके साथ होती है वो यही है। पंजाबी में चंद ना चंद चंद। आज किन्ना वधिया मौसम है ते चंद किन्ना सोना लग रहा है, बिल्कुल ताड़ी तरह। मैं तो रोज ही सोना लगता, चंद कभी कभी लगता। हम इंग्लिश में कह दे। What a lovely weather and look at the beautiful moon like you. Oh, thank you. Oh my God. I'm lying. Oh my God, यहाँ का temperature हो गया है बहुत ही rise, but we are taking a short break. We are coming right back. जवाब दे रहे हैं। हद साडे वालों जवाब है जनाब। एनु लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। वेरी गुड। क्या बात है, एनु लाहौर ले जाओ, पहले ही लाहौर से तू जी। अब भी क्या साडे वालों जवाब है। साडे वालों जवाब है जी। अच्छा जी, ठीक है। अब होगा रैपिड फायर, इसका मतलब है दस्ती दस्ती जवाब। ठीक है। मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। ओके, मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। सीरियल या फिल्म? फिल्म। सीरियल या फिल्म? फिल्म। सिटी या विलेज? विलेज। सिटी। वंडरफुल। गुस्से में बोलना या गुस्से में खामोशी? गुस्से में बोलना। बहुत बोलना? मैं अंदर नहीं रख सकता ना। अच्छा, जो आएगा बाहर आ जाएगा। ओके, गुस्से में मैं लड़ नहीं सकती तो खामोशी। ओके, दोस्तों को खिलाना या उनसे खाना? दोस्तों को खिलाना। दोनों। दोनों, खाना भी खिलाना भी। एक एक पहला जो ऑब्वियसली खिलाना, खिलाना दोस्तों को, खिलाना दोनों का। वाह, दोनों शाह खर्च हैं। अच्छा जी, बच्चे दो ही अच्छे या रश पा दो? दो ही अच्छे ने। बच्चे दो ही अच्छे या रश? नहीं नहीं, दो ही पहले बड़ा रश पे। अच्छा जी, उसके बाद कॉफी या चाय? कॉफी। कॉफी, दोनों कॉफी पसंद। ये चाय पता की मैं बड़ा, जब तक मैं अपने हाथ ही नहीं पींदा। मैं के आप चाय बनाते? लौंग, लाची, अदरक, दालचीनी। तुझे तो पीती भी नहीं होनी। आप ही डिसाइड कर ले कि मैं तो पीती ही नहीं होनी हो जाए। अच्छा जी, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल? दोनों नहीं। दोनों नहीं? नहीं। क्या फिर? बस लोड ही नहीं, मैसेज कर दो, खाना आता है। अच्छा, मैसेज? आई डोंट लाइक वीडियो कॉल्स। ओके, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल? वॉइस कॉल। वॉइस कॉल। मैसेज नहीं? मैसेज भी नहीं, आई डोंट लाइक टू टाइप मच। ओके, वेरी गुड। इसमें आप दोनों अलग अलग हैं। चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट। चॉकलेट या वनीला? कुछ और मत बोलना, चॉकलेट टाइम है। चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट, 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 चॉकलेट। ओके, कैश या क्रेडिट? कैश। कैश। कैश।
दोनों की चॉइस, क्या जेब में क्या कोई एक्स्ट्रा जेब लगाई? नहीं, कोई हमारी कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल. यू सेइंग ना दोनों का सेम है? हुन एने आपे आख्या है, मैं नहीं नहीं, बट यू आपने बोला तुसी आख्या ना कि दोनों दी सेम ने, तो मैंने कहा भाई कई यारी नेट बंद हुंदा, कार्ड ना चले, बंदा जलील होण लग जांदा. हां, कैश घी से च होना चाहिए माल. अच्छा जी, बीच या माउंटेन्स? बीच. बीच, माउंटेन्स. माउंटेन्स, ओके. रेगिस्तान या दरिया? रेगिस्तान. दरिया. दरिया, ओके. पिज्जा या बर्गर? पिज्जा. बर्गर, ओके. ऑलराइट. किताब पढ़ना या टीवी देखना? टीवी देखना. एनी टाइम टीवी देखना. टीवी देखना, दोनों किताब पर्सन नहीं है. ओके. घर पर खाना या बाहर जाना? बाहर जाना. घर पर खाना. घर पर खाना. गाड़ी या साइकिल? गाड़ी. गाड़ी. गाड़ी, बट साइकिलिंग भी है, बट मेन प्रेफरेंस. आइसक्रीम या चाय? आइसक्रीम. ऑल डे लॉन्ग. ऑल डे लॉन्ग आइसक्रीम. ओके. तारीफ या क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म, ओके. मैं आपसे पूछूंगी क्यों, तारीफ या क्रिटिसिज्म? तारीफ. तारीफ, ओ माय गॉड. अच्छा, आप बताएं क्रिटिसिज्म क्यों? तारीफ तो हर बंदा कर देता है. ओके. क्रिटिसिज्म वही करता जो तुम्हारे साथ. आहा, क्या बात. आप बताएं तारीफ क्यों? मैं मौका ही देती नहीं क्रिटिसाइज करने का. नहीं, लेकिन हर बंदे में वो देखिए, वो तो आप सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. हाँ, लेकिन तारीफ क्यों? तारीफ इसलिए कि मैं तारीफ के काबिल हूँ. ओह माय गॉड, असी काबुल तो आए हैं. काबुल से. हाँ. अच्छा जी, बारिश या धूप? बारिश. बारिश. दोनों की. सर्दियों की धूप या गर्मियों की बारिश? सर्दियों की धूप. गर्मियों की बारिश. सर्दियों में आइसक्रीम और गर्मियों में चाय, दोनों में से क्या हो जाए? सर्दियों में आइसक्रीम. आइसक्रीम. फन. ओके. अब आपको पता है जेनरेशन जी का जमाना है. उनकी लैंग्वेज भी अपनी है. उनकी लैंग्वेज के कुछ अल्फाज मैं आपसे पूछूंगी और आपको जो समझ में आए वो आपने बताना है. लोकी. लोकी. हाँ. थल्ले रहना. ओके. हाइडिंग. ओके, दैट्स रियली नाइस. आप बताइए. लोकी. हाँ, खाने वाली लोकी का पता है मुझे. इनको खाने वाली लोकी का पता है. लोकी वंगर लंबी. इनको लोकी का पता है, जेड़े लोकी होंदे ने. लोकी होंदे ने. ओके, लोकी का मतलब है सीक्रेट या सटल, जैसे इन्होंने कहा था. ओके, सैवेज. आय हाय, मेरे वर्गा खतरनाक. सैवेज लाइक. अच्छा जी, वाइब्स. 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 यस. वाइब्स आर गुड वाइब्स, बट इसका मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजी में, ये स्लैंग में पूछ रहा. मैं जो आजकल की जेनरेशन जी की लैंग्वेज है, वाइब. वाइब तेरी मेरी मिल दी या. वाइब तेरी मेरी मिल दी. वाइब इज अ एटमॉस्फेयर बिटवीन टू पीपल. इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द कंपनी, गेट आउट. ओके ओके, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने. वाइब का मतलब है फीलिंग, एटमॉस्फेयर. इसका मतलब टेक्स्टिंग पे बहुत ज्यादा हैं एक्टिव. आई नो एवरीथिंग, दैट्स ग्रेट. बेसिक. दिस इज वेरी बेसिक. बेसिक या वेरी थके हो? हां, मॉडर्न नहीं है, बस ठीक है. वेरी कॉम. Normal and common. Okay, this is very basic. Boring. Boring. बिल्कुल ठीक का. Unoriginal, boring. Boring. मतलब बहुत ही basic है ये तो. Amy. अच्छा जी, ये बताएं ghost. कोई तुक्का लगाओ ना. नहीं नहीं, वो वाला तो है ना. वही वाला ghost का पता है. Gen Z के लिए ghost का मतलब क्या है? Gen Z के लिए ghost का मतलब like invisible. Okay, invisible. All right, जी. दो जवाब दूंगा. एक कहाँ बैठा है? ठीक है ना. दूसरा ghost is ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਇਜ਼ देयर, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਨ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਇਜ਼ ਗੋਸਟ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ. ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਓਕੇ, ਬਟ ਐਨ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਇਜ਼ देयर. ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰ. ਹੀ ਗੋਸਟਡ ਮੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ. ਨੋ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸਟ ਕੀਆ. ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਗੋਸਟ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਸਟ. ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ. ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਐਨੀਵਨ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਸਟ. ਸੀ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਕਦਮ ਸੇ ਸਟਾਪ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ, ਇਕਦਮ ਸੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਗੋਸਟਡ ਮੀ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ. ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਸਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਫਨ ਕਰਾਇਆ ਹਮੇ. सेट पर पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा है, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे. अब आपसे गाने की रिक्वेस्ट करनी है मैंने. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड
इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतने अच्छे जवाब, बहुत मजा आया. थैंक यू प्लेजर इज ऑल माइन. आप भी कह सकते हैं वैसे. मैं क्या, प्लेजर इज ऑल माइन. ओके थैंक यू. बाकी मेनू भी बड़ा चंगा लगा. थैंक यू. ते आयशा जी ठीक है ना, जेडे तुहाडे सवाल सी जवाब सी, तुसी बड़ी ट्राई कीती मेनू मर्चा खवा दा, ठीक है कि नहीं? बट डोंट वरी, मैं तुहानू पहलां कहा सी इक पंजाबी उत्तों सोहणा हाथ मैं किसे दे नहीं आंदा. ठीक है. But no, absolutely amazing time. You were absolutely amazing. Thank you so much. It's amazing. खास करके मैं ने इंटरव्यू करता नहीं, बट जिन्ने मेरे फैंस इतने पाकिस्तान है, I love them to bits. So जिन्ने मेरे चाहन वाले, जिन्ना मेरे म्यूजिक ने प्यार देंदे ने इतने, मेरे ख्याल शायद ही कोई कंट्रियां ने, पाकिस्तान इज प्रॉबली वन ऑफ आर बिगेस्ट टेरिटरी जिथे साढ़े सब तो ज़्यादा फैंस ने. एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रैस माई ग्रैटीट्यूड एंड एवरीथिंग. एंड जिन्हें मेरे फैंस ने पाकिस्तान, आई लव यू ऑल. जिंदे वसदे रहो. चल आप भी सब कुछ तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बस उनके बिहाफ के साथ ही मैं अपना मैच करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत मजा आया और इनके साथ तो वाकई बहुत मजा आया, टाइम का पता नहीं चला. Exactly. और आपके जो तीखे सवाल थे मैंने खा लिए. थैंक यू सो मच. होन हो जाए एक रॉकिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द NS चौहान. ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਫੈਨ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਡੱਡ ਪੱਕੇ ਦੇਖ ਹੀਲ ਤੁਰੀ ਦੇ. ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਫੈਨ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਡੱਡ ਪੱਕੇ ਦੇਖ ਹੀਲ ਤੁਰੀ ਦੇ. ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਲਰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਮਰ, ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੇ ਨੰਬਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੌਣ. बस होन चर्चे तैया सिर पाते चंदरी ने परचे, ओ मुंडे अज जेदे बस होन चर्चे तैया सिर पाते चंदरी ने परचे. ओ लक तो सलिम तिल काला युग चिन्ह करे दिन चेहनेरा जुल्फां दा चार जी. ਸੁਣਿਆ ਚੌਹਾਨ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਮੌਲੀ.